जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय सेना की ओर से रेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि भारतीय किसी भी कोने से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो भारतीय सेना की ओर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको इनको देनी होगी, कितने यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, सभी जानकारी पिछली वीडियो में दी गई है। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिली ग्रुप सी की, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, MTS की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। MTS में आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो गार्डनर, सफाई वाला और वॉचमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। हु कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि UR, जनरल, OBC, SC, ST, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर आयु सीमा रहेगी UR और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, OBC कैटेगरी के लिए 18 से 28, SC और ST कैटेगरी के लिए 18 से 30 जो एज काउंट की जाएगी वो 27 जुलाई तक की जाएगी। यानी कि 27 जुलाई को आपके एज ने तो 18 से कम होने, 25 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपके यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों को 5 रुपये दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। और आपको जहाँ पर दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की भी जानकारी यहाँ पर बहुत जल्द अपडेट करा दी जाएगी। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पर रहने वाली है। जितने डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँ उनके सभी की जीरोक्स करा लेनी, उनको सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। सबसे पहले आधार कार्ड मस्ट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन की सभी जानकारी, फोटो और सिग्नेचर देना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये OBC, SC, ST, EWS कैंडिडेट को देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको UR और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दो फोटो की जरूरत रहेगी जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती एग्जाम पैटर्न की बात करें, यानी कि आपको जो सिलेबस रहेगा, टोटल आपके यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, जिनमें 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट आपका यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। जो एग्जाम मोड होगा ऑफलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि OMR बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हम सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। आवेदन करने के लिए जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, 2 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि भाग ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। कैसे आपको डाउनलोड करना है उसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में आगे दे दूंगा। तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म आ जाएगा। अब आपको बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो लगाना है, उसको सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने हैं, यानी सेल्फ रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, कैंडिडेट का नेम बताना है, आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है, मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बता देना है, हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम बताना होगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट और आपके शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना होगा, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पर सभी जानकारी दे देनी है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी होगी, नेशनलिटी में इंडियन मेंशन करना है, फिजिकल हैंडीकैप है आपको यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यानी कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर अपना ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी फिल कर देनी है, सिग्नेचर करने हैं, डेट और पैलेस बताना होगा, जो एड्रेस होगा सेंड करने का एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 27 जुलाई तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। मिलिट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। सिंपल 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी होगी, इनकी एलडीसी की जो वैकेंसी होगी उसमें 12वीं पास प्लस टाइपिंग मांगी गई है। उसके बाद से एमटीएस की वैकेंसी होगी, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। काफी अच्छे आपको यहाँ पर सैलरी दी गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। एड्रेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दिया गया, यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको चले जाना है, उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देना, हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर पहुँच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बिल्कुल फ्री में दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।